हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का 7 जनवरी शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ है उसका मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। तो 5 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल त्रिकोणमिति से 6 क्वेश्चन पूछा गया था हाइट एंड डिस्टेंस को मिलाकर। तो इस प्रकार से साइन 15 डिग्री उसमें पूछा था, तो साइन 18 डिग्री वगैरह पूछ सकता है, उसके लिए हमने पहले ही बता दिया है। तो इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के पूछे गए, मतलब 7 जनवरी को टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 हाइट एंड डिस्टेंस से और 2 त्रिकोणमितीय के मान वाला, जैसे 15 डिग्री 75 डिग्री होता है, 30 45 डिग्री उस पर। तो पहले त्रिकोणमिति का जो 4 क्वेश्चन है उसे कवर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो पसंद होगा तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि cot 15 डिग्री गुना cot 75 डिग्री गुना cot 30 डिग्री गुना cot 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको एक रूल आना चाहिए ये कि tan a गुना tan b का मान एक होगा। tan a गुना tan b का मान एक होगा कब, जब a और b दोनों जोड़कर 90 डिग्री होगा, मतलब a और b जोड़कर 90 डिग्री हो जाएगा, तो tan a गुना tan b का मान एक होता है। उसी प्रकार से cot a गुना cot b का भी मान एक होगा कब, जब a और b का जोड़ करेंगे तो 90 डिग्री हो जाना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि tan 30 डिग्री और गुना यहां पर लिखते हैं tan 60 डिग्री, तो 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है ना। tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 60 का मान होता है √3, तो यहां पर से देख रहे हैं एक हो रहा है। उसी प्रकार से cot के लिए भी ले सकते हैं, मतलब cot 60 डिग्री गुना हम cot 30 डिग्री लेते हैं। तो देखिए cot 60 का मान कितना होगा, tan 60 होता है √3, तो cot 60 होगा 1/√3 और cot 30 कितना होगा √3, तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब भी आपके प्रश्न में 60 डिग्री और 30 डिग्री जोड़कर 90 डिग्री हो रहा है, कोई भी जैसे a और b जोड़कर 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा, एक के बराबर होगा। तो यहां से देख सकते हैं कि cot 15 गुना cot 75 है, तो 15 डिग्री और 75 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है ना, तो 90 डिग्री हो रहा है तो ये दोनों का गुणनफल कितना हो गया, एक, फिर गुना। उसी प्रकार से ये दोनों को देखिए गुना में है cot 30 गुना cot 60, तो cot 30 और cot 60 है, तो 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है, तो cot 30 गुना cot 60 का मान एक होगा और प्लस है, तो प्लस tan 45 का मान एक होता है, मतलब एक गुना एक एक हो गया और प्लस एक, तो दो हो गया आपका आंसर, दो हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है, √3 tan 2 थीटा बराबर -3 है, तो -3 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो +3 हो जाएगा और √3 से ये कैंसिल हो जाएगा √3 बार में, क्योंकि 3 के अंदर में 2 √3 होता है। अब देखिए tan 2 थीटा बराबर हो गया √3, तो √3 को हम लिख सकते हैं tan 60, मतलब tan में किसका मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का, मतलब 2 थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, या रेडियन में अगर जो बोले तो π/6 रेडियन, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस से कि 10 मीटर ऊंची खंभा की छाया 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उदय कोण बताइए। मतलब इस प्रकार से कोई फिगर है जो आपको दिया है प्रश्न में कि ये यहाँ पर सूर्य है और ये खंभा है, जो खंभा कितना है 10 मीटर का है और इसकी छाया है, मतलब परछाई है, जो 10√3 मीटर का है, तो ये थीटा कोण कितना बन रहा है, जो तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु की लंबाई और उसकी परछाई, यही होता है आपका tan थीटा। तो प्रश्न में दिया है लंबाई कितना 10 और परछाई दिया है 10√3, तो 10√3 होगा, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर, मतलब 1/√3 हो गया। tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो tan थीटा बराबर कितना है √3, तो √3 का मान 1/√3 का मान किसका होता है 30 का, तो tan 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर से डायरेक्ट बोल सकते हैं थीटा की जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो थीटा का मान हो गया 30 डिग्री, या tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है जो हाइट एंड डिस्टेंस का, इसमें बोल रहा है कि 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई बताइए। तो इसमें पहले आपको यह पता करना है कि कौन बड़ा है, तो इमारत के शीर्ष से देख रहा है, मतलब इमारत बड़ा है और अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब जो दूसरा दिया है टावर वो छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, ये क्या है 60 मीटर ऊंचाई वाला कोई भवन इमारत है, ये 60 मीटर ऊंचाई वाली क्या है इमारत है, इमारत की ऊंचाई दिया है 60 मीटर, तो इमारत का ये हो गया शीर्ष, इमारत का ये हो गया शीर्ष और इमारत का ये हो गया क्या आधार, और ये जमीन पर है, तो जमीन पर एक क्या है टावर है, जमीन पर एक है टावर, और प्रश्न में यही टावर की ऊंचाई आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कितना होगा, जो
तो ये टावर का हो गया शीर्ष और ये टावर का क्या हो गया आधार। तो प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको लिखा गया है कि 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और आधार का अवनवन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब ये पहले सबसे पहले जमीन है, तो जमीन के समानांतर हमें एक रेखा खींचे यहाँ पर, तो ये रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो ये इमारत के शीर्ष से ये टावर के शीर्ष का अवनवन कोण कितना दिया है आपके प्रश्न में, ये अवनवन कोण आपके प्रश्न में इस प्रकार से पहले अवनवन कोण बनता है कितना दिया है क्षैतिज रेखा, और जो दृष्टि रेखा होता है दोनों के बीच कोण बनता है उसे ही अवनवन कोण बनता है या यूनियन कोण। तो ये दिया है आपके प्रश्न में 30 डिग्री, तो यूनियन कोण भी होगा 30 डिग्री। और यही इमारत के शीर्ष से ये टावर के आधार का अवनवन कोण कितना दिया है आपके प्रश्न में 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री दिया है तो यूनियन कोण भी 60 डिग्री होगा। इतना आप समझे। अब देखिए बड़ा ट्रायंगल में चल रहे हैं हम, इस ट्रायंगल में अगर जो देखना चाहें इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि ये 60 डिग्री है और ये आपको 60 दिया है प्रश्न में। यहां से यहां की लंबाई कितना है, इमारत की ऊंचाई 60 मीटर दिया है, ये कितना दिया गया है 60 दिया गया है, तो ये कितना होगा आपको ये बेसिक पता होगा ना। इस प्रकार से हम बताए थे कि यहाँ पर 60 डिग्री है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा एक्स बटा रूट तीन। मतलब 60 डिग्री के संगत भुजा निकालने के लिए रूट थ्री से भागा देते हैं, तो ये टोटल 60 है, तो ये कितना होगा 60 बटा रूट तीन, परिमेयकरण कर देंगे ऊपर नीचे रूट थ्री से, तो ये कितना हो जाएगा 20 रूट तीन। जब ये 20 रूट तीन है तो ये वाला भी 20 रूट तीन होगा। इतना आप समझे, 20 रूट तीन ये हो गया। अब छोटा ट्रायंगल में देखते हैं, मतलब इस ट्रायंगल में हम देखना चाह रहे हैं, इस ट्रायंगल में, तो ये वाला फिगर को हम थोड़ा मिटा रहे हैं समझने के लिए। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए तो क्या दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर 30 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ही, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के संगत भुजा, 60 डिग्री के साथ भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं रूट थ्री से भाग देते हैं, तो ये 20 रूट तीन है, तो 60 डिग्री के साथ ये भुजा है, तो इसमें क्या करेंगे 20 रूट तीन में हम रूट तीन से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो गई 20, तो यहां से यहां तक की लंबाई आपके प्रश्न में 20 हो गई, तो ये कितना होगा टोटल 60 है, तो 60 में से ये 20 घटा देंगे मतलब ये कितना है 40। जब यहां से यहां ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40, मतलब एच कितना हो गया 40। तो यही टावर की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है तो 40 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रश्न को आप फिगर बनाकर तुरंत बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 25% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। मान लीजिए कि सबसे इसका पहले बेसिक मेथड बताते हैं, फिर ट्रिक भी जो होता है बताएंगे। तो भिन्न हमने मान लिया कितना है, सबसे पहले भिन्न को माना जाता है x बटा बाई, भिन्न को हमने x बटा बाई मान लिया। अंश में 20% की वृद्धि और हर में 25% की वृद्धि है, तो अंश में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि मतलब 120%, और हर में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि मतलब 125%, तो भिन्न कितना हो जाता है 3/5, भिन्न 3/5 हो जाती है। अब इसे हल कर दीजिए तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर से आप कैंसिल कर सकते हैं 25 से, और ये 40 से और भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से तो 25 और 40, इधर 8/5 है तो इस तरफ जाएगा तो 5/8 हो जाएगा, यानी कि भिन्न आपका हो गया 5/8, ये आपका हो गया आंसर भिन्न। या इसका दूसरा तरीका देखिए, सेकंड अप्रोच क्या होता है, डायरेक्ट आपको बनाना है इस प्रश्न को, तो इतना एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में जो लिखा है कि अंश में 20% वृद्धि और हर में 25% वृद्धि, तो भिन्न हो जाता है 3/5, तो भिन्न कितना हो जाता है 3/5 हो जाता है, तो अंश में वृद्धि करने बोल रहा है तो हर में वृद्धि कर देंगे। अंश में कितना की वृद्धि 20% की वृद्धि, तो हर में 20% की वृद्धि कर दीजिए, और हर में वृद्धि करने का रहा है 25%, तो अंश में वृद्धि कर देंगे 25%, मतलब 125%। इस प्रकार से यानी उल्टा करना है, अंश में वृद्धि करने बोले तो हर में वृद्धि कर देंगे, और हर में वृद्धि करने बोले तो अंश में वृद्धि कर देंगे। अब इसे हल करेंगे, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से, और ये 40 से 25 से और 25 पर 40, तो इस प्रकार से 5/8 आप डायरेक्ट बना सकते थे। दूसरा अप्रोच ये होता है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज रहे तो त्रिभुज की आपको मतलब इस प्रकार से ये भुजा है, मतलब ए ए ए है, तो इसका क्षेत्रफल ए है, और इसकी भुजा को हम अगर जो 3 गुना कर दे मतलब 3a कर दे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जो आपसे पूछ रहा है। तो आपको सिंपल लॉजिक पता होना चाहिए कि भुजा का रेशियो पहले कितना है, भुजा प्रारंभिक में कितना है
भुजा को तीन गुना कर दिया इस प्रकार से, मतलब पहले एक था तो भुजा कितना हो रहा है तीन, तो क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में हो जाता है, तो इसका एरिया हो जाएगा एक का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर मतलब एक अनुपात नौ, यानी कि ये कितना हो जाएगा एक ए, तो ये कितना हो जाएगा नौ ए, डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हैं, मतलब उसका भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर था कितना सिक्स, तो आपका आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या को 15, 20 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 आता है, तो संख्या बताइए। तो 15, 20 और 35 से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में शेष 8 आता है, तो 15 है, 20 है और 35 है, ये सभी का आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले इतना का आपको एलसीएम आना चाहिए। तो एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं जो पता होना चाहिए, तो 15, 20 और 35 में सबसे बड़ी संख्या 35 को हमने चुन लिया। अब 35 के अंदर में क्या क्या है, 60 गुना 5 है, तो 15, 20 को 20 में भी 5 गुना 4 लिख सकते हैं और 15 को भी हम लिख सकते हैं क्या 5 गुना 3, तो 5 5 तो कॉमन 20 और 15 दोनों में है, लेकिन 4 है जो 35 में 4 नहीं है, तो हम इसमें 4 दे देते हैं, तो अब इसमें 35 गुना 4 में 20 भी हो गया। अब देखिए 15 के अंदर में है 5 गुना 3, अब जबकि 35 और गुना 4 के अंदर में है 7 गुना 5 गुना 4, यानी कि 3 इसमें नहीं है, तो 3 हम यहाँ पर जो 15 में है 3 इसमें हम दे दिए, तो अब पूरा मतलब 35 गुना 4 गुना 3 के अंदर में हो गया 15 भी, 20 भी और 35 भी, तो आपका यही एलसीएम हो जाएगा जो इतना आपको गुना करके आएगा। तो कितना गुना करके आएगा जो भी बता देते हैं, देखिए 35 चौक कितना होता है 140, 140 गुना 3 करेंगे तो 140 गुना 3 मतलब 14 42, तो कितना हो जाएगा 420, 420 आपका हो जाएगा एलसीएम। और बोल रहा है प्रत्येक दशा में 8 शेष बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है, तो हम अगर जो इसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये पूरा पूरी होगा, जो भागा लग जाएगा 8 शेष नहीं बचेगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका आंसर 428। क्वेश्चन नंबर था आपका सेवन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट बहुत ही सिंपल है, इसमें बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है और इसके संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत ऊंचाई बताइए। तो कोई भी समांतर चतुर्भुज रहता है तो आपको रूल होता है समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से कि ये क्या है समांतर चतुर्भुज मीन्स पैरेललोग्राम। तो मान लीजिए कि ये बेस है, ये बेस पहला बेस है V1, तो इसका हाइट इस भुजा के संगत ऊंचाई हमने ये कर लिया, मतलब ये है H1। उसी प्रकार से हमने अगर जो मान लिया कि दूसरा बेस ये है, दूसरा बेस ये है, तो इस भुजा के संगत ऊंचाई को हमने यहां से अगर जो लंब डालेंगे तो ये होगा मान लीजिए कि H2। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, मतलब एरिया होता है इसका V into H, यानी कि एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो इस प्रकार से अगर जो हम बेस इसे लेंगे और हाइट इसे लेंगे तो एरिया होगा V1H1, और अगर जो बेस इसे लेंगे और हाइट इसका लेंगे तो V2H2 होगा, तो दोनों स्थिति में उसका क्षेत्रफल समान होगा, यानी कि आपको कंडीशन होता है कि V1H1 बराबर क्या होगा V2H2। इसका यूज करके आप तुरंत इसे बना सकते हैं। प्रश्न में लिखा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा है, मतलब ये 15 सेंटीमीटर भुजा है, तो संगत ऊंचाई कितना है, संगत ऊंचाई आपके प्रश्न में दिया है 4 सेंटीमीटर, तो उसी प्रकार से अगर जो भुजा ये 10 सेंटीमीटर है तो ये ऊंचाई कितना होगा जो पूछ रहा है, तो सिंपल है 15 गुना 4 करेंगे और बराबर 10 गुना भार, तो 15 गुना 4 करेंगे तो 60 बराबर 10 गुना भार, तो 60 में 10 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 से 0 कैंसिल, मतलब उसके संगत ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, H2 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके ये आकृति दिया गया है, फिगर दिया गया है कि दिए गए आकृति में बताइए कि त्रिभुज एबीसी की परिमाप और स्पर्श रेखाओं में क्या संबंध हो सकता है, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड द टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स क्या है एपी और AQ मतलब स्पर्श रेखा। तो आप ये एक नियम जानते हैं कि किसी भी बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब ये कोई सर्किल है तो बाह बिंदु ये है, तो सर्किल के कोई जैसे इस प्रकार से हम ड्रा कर रहे हैं कोई बाहरी बिंदु है तो बाहरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो ये जो लंबाई हो गई मानिए कि ये क्यू है और ये पी है और ये है, तो ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होती है, यानी कि एपी बराबर क्या होता है AQ होता है। 10th क्लास में थ्योरम होता है कि किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु पी से या यहाँ पर कोई भी बिंदु है तो उससे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वृत्त पर दोनों बिंदु होता है तो वो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, यानी कि AP बराबर AQ। तो इस प्रकार से ये जो इसका पेरिमीटर होगा परिमाप होगा ट्रायंगल का, और ये इस प्रकार से ये AP है और ये AQ है, इसमें क्या संबंध है, मतलब
त्रिभुज का परिमाप और स्पर्श रेखा के बीच क्या संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा एपी होती है और स्पर्श रेखा यहाँ पर क्या है, एक क्यू है, एपी और एक क्यू। तो दोनों स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, पेरीमीटर मतलब जो भी त्रिभुज की परिमाप है, ऐसे लिख सकते हैं हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हिंदी में इसे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का परिमाप जो होता है आधा होता है। जो भी एपी है वो क्या होती है, त्रिभुज के परिमाप की आधी होती है, या एक्यू होगी तो त्रिभुज के परिमाप जितना होगी उसकी आधी होगी। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर जो इसकी पूरा एपी हमने मान लिया अगर जो 24, तो त्रिभुज के परिमाप कितना होगा 12, ये फिक्स है। या इसका दूसरा मतलब इस प्रकार से नहीं देकर तो दूसरा तरह से दे सकता है, हम अगर जो दो से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो कितना हो जाएगा 2AP, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2AQ, 2AP लिखे या 2AQ लिखे, बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब त्रिभुज का परिमाप आप जानते हैं तीनों भुजाओं का योगफल होता है, तो 2P बराबर 2AP बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि AB परिमाप मतलब AB प्लस BC प्लस CA, तो AB प्लस BC प्लस CA ऐसे भी लिख सकते हैं 2AP बराबर, या 2AP को हम दो तरह से लिख सकते हैं, AP प्लस AP, AP प्लस AP तो 2AP हुआ, तो AP प्लस AP बराबर AB प्लस BC प्लस CA ऐसे भी लिख सकते हैं। या एक प्रश्न में आप जानते हैं कि AP बराबर AQ है क्योंकि स्पर्श रेखा है बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP प्लस AP की जगह पर फिर क्या लिख सकते हैं AQ, यानी कि AP प्लस AQ बराबर AB प्लस BC प्लस CA। आपका ये ऑप्शन में दिया होगा तो ये आपका आंसर होगा, ये ऑप्शन में दिया होगा तो ये आंसर होगा, मतलब किसी प्रकार से हो सकता है, AQ प्लस AP भी हो सकता है बराबर AP प्लस BC प्लस CA, ये कोई आगे पीछे भी रह सकता है BC प्लस CA प्लस AB, लेकिन ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है, इसी से हमने ये डिराइव करके निकाला है। ये क्वेश्चन नंबर था 9 जो ज्योमेट्री का बहुत ही स्पेशल थ्योरम होता है उस पर बेस्ड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का है। ये बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर बना कोण 40 डिग्री हो तो उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। मतलब ये आपका कोई सर्किल है तो सर्किल का ये सेंटर होता है और ये आपका कोई ये है जो त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का आपके प्रश्न में दिया है कितना 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर और यहाँ कोण कितना बन रहा है, कोण बन रहा है 40 डिग्री का, तो इसका एरिया आपको बताना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, थीटा बटे 360, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एरिया बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, या एक तरीका और भी होता है बाई ऑप्शन चल के, लेकिन हम इसे ही बना देते हैं। तो थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 40 डिग्री, तो 40 डिग्री बटा हो जाएगा 360 डिग्री, पाई का मान 22 बटा 7 देंगे, आर स्क्वायर मतलब 21 गुना 21, अब हल कर दीजिए तो 40 नंबर 360 हो जाएगा, ये सत्य 21 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर से 3×9 कैंसिल कर सकते हैं और 3×7 21, तो 22 गुना 7 बचा, तो 22 गुना 7 कितना होगा 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। कोई ऐसे भी कर सकते हैं कि जब वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर जो त्रिज्या को हम दोगुना करेंगे मतलब 7×2 तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154×2 का स्क्वायर, या हम त्रिज्या को अगर जो 3×3 करेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154×3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से फॉर्मूला में ध्यान रहना चाहिए कि त्रिज्या को हम अगर जो n गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है 154×n का स्क्वायर, इसका यूज करके आप बना सकते हैं, कैसे वो बता रहे हैं। देखिए एरिया निकालना था तो क्या करिए, 40 डिग्री बटा 360 डिग्री हमने किया, और क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो पाई आर स्क्वायर मतलब अगर जो त्रिज्या 60 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 154, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं 21 दिया है, तो 21 है जो कितना है मतलब 7×3 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9×9, इस प्रकार से ये 1/9 हुआ ना, 9×9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट 154 आप बता सकते थे इस प्रकार से। तो इसका शॉर्टकट अप्रोच ये है, अगर जो आपको याद है तो इस तरीका से, और नहीं तो बेसिक ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 500 व्यक्तियों की एक छावनी में सैनिकों के लिए 24 दिनों का भोजन सामग्री था, 300 सैनिक और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। सिंपल क्वेश्चन है, पहले 500 सैनिक था तो भोजन सामग्री 24 दिन चलता था, 300 सैनिक और आ गया मतलब 500 और 300 टोटल कितना हो गया 500 प्लस 300, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 800 सैनिक हो गया, तो भोजन सामग्री कितना दिन चलेगा जो पूछ रहा है। तो यहां से देखिए 2×0 से 2×0 कैंसिल हो जाएगा और ये 8×3 24 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5×3 15, यानी कि डी का मान कितना हो गया
300 सैनिक और आ जाने पर वो भोजन सामग्री 15 दिन ही चलेगी। ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4, 9। इसमें क्या जोड़े हम कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए? तो पूर्ण वर्ग होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले एक जोड़ेंगे, बाई ऑप्शन चलेंगे, एक जोड़ेंगे फिर दो जोड़ेंगे, इस प्रकार से। तो मान लिया कि सबसे पहले एक जोड़ रहे हैं, मतलब इस प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा ना। 9,999 है तो एक जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और 10,000 पूर्ण वर्ग संख्या है ना, ये 100 का वर्ग है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कितना जोड़ने पर हो रहा है? एक जोड़ने पर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए हम बता रहे हैं कि रूट अंडर लिखा है 8 + 2√15 इस प्रकार से, इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए ये इसका हम लॉजिक बता देते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखा रहेगा जैसे a प्लस, यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे हैं, 2 कंपल्सरी है कि रहना चाहिए, और यहाँ पर लिख देते हैं z। तो जो भी यहाँ पर रहेगा रूट के प्लस, यहाँ माइनस भी हो सकता है, तो रूट के यहाँ पर आगे में जो रहेगा दूर हमें हर हाल में लाना है, अगर जो नहीं है तो लाना है। और इसे ऐसा दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है कि इसका मतलब मान लीजिए कि p और q में इसे ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब सम करने पर ये होना चाहिए और गुना करने पर ये आना चाहिए। जैसे एड फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दो पहले है और प्लस है, तो या तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर होगा, या पी माइनस क्यू का ये होल स्क्वायर होता है, फिक्स है इस प्रकार के क्वेश्चन। या इसका दूसरा रूप ऐसे भी रह सकता है आपको प्रश्न में कि 8 + 2√15 का वर्गमूल निकालिए, तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो 15 को ऐसा दो टुकड़ा में तोड़िए कि जोड़ने पर 8 हो जाए। तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3। अब 5 × 3 लिखेंगे तो गुना करने पर ये हो रहा है, जैसे हमने यहाँ बताया कि ऐसा दो टुकड़ा में जेड को तोड़िए कि गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने पर ये आना चाहिए, मतलब पी गुना क्यू करने पर आना चाहिए जेड, और पी प्लस क्यू करने पर आना चाहिए आपको ए। इस प्रकार से आपका ये लॉजिक होता है। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 15 को ऐसा दो पार्ट में तोड़िए कि गुना करने पर 15 हो जाए और जोड़ने पर 8 हो जाए, तो 5 × 3 = 15 होता है। 4 और 2 करेंगे, मतलब 15 को हम लिखेंगे 5 और 3 तो 8 हो रहा है, जोड़ने पर गुना करने पर 15, मतलब इसे हम लिख सकते हैं √5 + √3 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्या करना है, इसको रूट में लिखना है, इसको भी रूट में लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर, और फिर इसका क्या है वर्गमूल, तो वर्गमूल से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा +√5 + √3। अगर तो आपके प्रश्न में पूछता धनात्मक वर्गमूल कितना होगा तो प्लस वाला होगा, सिर्फ वर्गमूल पूछ रहा है तो प्लस माइनस दोनों होगा। कैसे ऐसे होता है? क्योंकि हम दो क्वेश्चन एसएससी किरण बुक से लेकर आए हैं, ऐसा ही वैरायटी का आपको करा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं सिंपल ऐसे ही समझने के लिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रश्न में 33 − √33 − √35 है, ये क्वेश्चन आपके प्रश्न में पूछा गया है, इतना का वर्गमूल आपको निकालना है, 33 − √35 है, इसका वर्गमूल निकालना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टियर 1 में 21 अप्रैल 2013 को शिफ्ट 1 में। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं जो देखिए, यहाँ पर तो आपके प्रश्न में लिखा गया है, इस पिछला क्वेश्चन में जो एनटीपीसी पूछा गया था 7 जनवरी को 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ हमें 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए 4 को हम लिख देते हैं 2 × 2। अब देखिए यहाँ पर हम अगर जो इस 2 को अंदर ले जाना चाहे तो कितना लिखेंगे, 4। अब 4 यहाँ पर हम लिख दिए हैं, तो 4 का वर्गमूल अगर जो करेंगे तो 2 बाहर होगा, तो पहले जैसा हो गया। इतना आपको पहले एडजस्ट करना है कि रूट के बाहर में हमेशा 2 होना है। यहाँ पर 4 था तो 4 को हमने 2 × 2 लिखा, और ये 2 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है तो 4 का, तो 4 को हमने अंदर ले लाया तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 35 + 4 कितना हो गया, 140। इसे हम लिख रहे हैं कि 33 − √√140 इस प्रकार से हमने लिखा। अब देखिए आपको ये आना चाहिए, इसे 140 को ऐसा दो टुकड़ा में आपको ब्रेक करना है कि गुना करने पर आना चाहिए आपको कितना, गुना करने पर आना चाहिए 140 और जोड़ने पर आना चाहिए आपको कितना 33। ऐसा आपको हर हाल में से करना है। तो 28 × 5 करते हैं तो 28 × 5 = 140 होता है, और 28 और 5 जोड़ते हैं तो 33 होता है, मतलब इसे 28 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं। तो 28 और 5 में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 को लिखेंगे √28 और माइनस है तो माइनस लिखेंगे और √5, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर, और स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, √28
माइनस रूट पांच। अब 28 को भी तोड़ सकते हैं, 7 चौक 28 तो 2√7, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2√7 माइनस रूट पांच, ये आपका आंसर आ जाएगा। धनात्मक वर्गमूल पूछ रहा है इसलिए प्लस होता, सिर्फ वर्गमूल पूछता तो प्लस माइनस दोनों होता। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, ये क्वेश्चन भी किरण बुक से लिए है इसी वेराइटी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये कह रहा है कि 14 + 6√5 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 जुलाई 2017 को, सिर्फ भर में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है कि 14 + 6√5 इसका धनात्मक वर्गमूल बताना है। इस प्रकार से लैंग्वेज में लिखा था कि 14 + 6√5 का धनात्मक वर्गमूल बताइए। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको 2 बनाना है, हर हाल में 2 बनाना होगा। तो कैसे 2 बनाएंगे, जो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं 14 प्लस, यहाँ पर 2 × 3 से लिख सकते हैं 6 को और रूट 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो 3 बाहर है तो 3 को हम अंदर करेंगे, तो 3 के यहाँ पर अंदर करेंगे तो कितना लिख सकते हैं इसे, जो देखिए ध्यान से यहाँ हम 2 ही रहने दिए हैं और 5 के साथ लिख रहे हैं 9, क्योंकि 3 किसका वर्गमूल है, 9 का। तो हमने इसे 9 लिखा तो 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 × 3 लिखेंगे तो पहले जैसा हो गया, मतलब ये लिखा ठीक है। अब ये कितना हो गया 9 × 5 मतलब 45, तो 14 + 2√ कितना हो गया 45। अब 45 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़िए कि गुना करने पर 45 आए और जोड़ने पर 14 आए, तो 9 × 5 इसे तोड़ सकते हैं। 9 × 5 करने पर 45 हो रहा है और इसे जोड़ने पर 9 + 5 करने पर 14 आ रहा है, मतलब ऐसा हमने आपको थ्योरी ही यहाँ बताया है। अब इसको आपको ब्रेक करना है, तो 9 और 5 में हुआ तो 9 को लिखेंगे रूट में और 5 को भी लिखेंगे रूट में। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखे, माइनस रहता तो माइनस लिखते, इतना का हो गया होल स्क्वायर और इसका है रूट, तो स्क्वायर से रूट पहले कैंसिल हो गया, तो आंसर होगा आपका प्लस माइनस √9 + √5। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है धनात्मक वर्गमूल, तो सिर्फ प्लस वाला होगा, और रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3, तो 3 + √5 आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। तो 2 क्वेश्चन हमने प्रीवियस लिया है। अगर जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं 8 + √15 समझने के लिए, 8 + ले लिया √15, तो यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न में इसका वर्गमूल निकालना है, 8 + √15 है इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 नहीं है तो आपको 2 बनाना होगा। तो कैसे 2 बनाते हैं, जो देखिए 2 आपको हर हाल में यहाँ लाना है और इस प्रकार के प्रश्न को तुरंत बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 2 लाने के लिए क्या करेंगे, मतलब 2 से गुना करते हैं, 2 × √15 कर दिए और 2 से भाग दे दिए, इस प्रकार से ऐसा आपको करना है, तो सिर्फ पहले जैसा हो गया। अब देखिए एक स्टेप और हम आगे जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 16 + 2√15 बटा कितना हो गया 2, और 1/√2 को हम बाहर कर दिए पहले, तो फिर ये पहले जैसा हो गया 16 + 2√15, इस प्रकार से हो गया 16 + 2√15, इतना बटा 2 था तो 2 को हमने रूट में बाहर कर दिया, 1/√2 × √16 + 2√15। अब 15 को ऐसा ब्रेक करना है आपको, 15 को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि गुना करने पर आना चाहिए 15 और जोड़ने पर आना चाहिए कितना 16, तो 15 को ब्रेक कीजिए। तो 15 को कैसे कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं, 5 × 3 कर सकते हैं या जैसे भी आप चाहें 15 को आप ब्रेक कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, टाइम ज्यादा हो रहा है। 15 को ब्रेक कर देंगे तो 15 को ऐसा, 15 को आप किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, तो 15 का फैक्टर जानते हैं, 1 × 15 होगा, 3 × 5 होगा और तो नहीं कुछ होगा। तो देखिए 3 और 5 अगर जो लेंगे हम, तो 3 × 5 तो 15 हो रहा है, लेकिन 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 8 हो रहा है, जबकि होना चाहिए 16 ना, तो आपका 3 × 5 ये वाला नहीं होगा। अब 1 और 15 बचा तो यही होगा, मतलब लिखेंगे √15 + √1 2 ऐसे हमने लिखा और इसका वर्गमूल, तो यहाँ पर 1/√2 पहले से था। जल्दी से देखिए, तो यहाँ पर √1 का वर्गमूल लिख ही होता है, उसे हम लिख सकते हैं, मतलब 1/√2 और ये स्क्वायर से रूट पहले कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा √5 + √1 का वर्गमूल 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। धनात्मक पूछ रहा है तो प्लस रहने दिए, अगर जो सिर्फ वर्गमूल कहा था तो प्लस माइनस दोनों आपका आंसर होता, ये आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए रहते हैं। तो एक क्वेश्चन में यहाँ हमने लिया कि यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 आपको कैसे लाए, 2 से ऊपर नीचे गुना करके, और एक प्रश्न जो पूछा गया उसमें 2 था, नेक्स्ट शिफ्ट में ऐसा ऐसा पूछ सकता है, इसलिए हमने सभी प्रकार किसमें बता दिया। पहला वेरायटी इसमें क्या था, 2 रहेगा, दूसरा वेरायटी क्या था, 2 के जगह पर 4, 6 इस प्रकार से था, तो दोनों प्रश्न हमने करा दिया। और एक प्रकार का ऐसा हो सकता है कि इसमें 2 रहेगा ही नहीं, जैसे ये है, तो इसमें 2 हमने लाया ऊपर नीचे गुना करके और इस प्रकार से सोल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर अब 14, जो भी क्वेश्चन होगा उसके आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है और बी की कार्य क्षमता 6 से दुगनी है, मतलब सबसे पहले आपको कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है,
तो ए की कार्य क्षमता है जो बी से दुगनी है और बी की कार्य क्षमता है जो सी से दुगनी है। तो हम अगर जो सी की कार्य क्षमता एक लेते हैं तो बी की कितना हो जाएगा दो और ए की कितना हो जाएगा बीस, एक है जो बी से दुगना है तो इसका चार हो गया। ये हो गया आपका क्षमता का अनुपात। तो प्रश्न में लिखा है कि ए और बी दोनों मिलकर 16 दिन तक काम करते हैं तो सी अकेला उसे कितना दिन में करेगा। ए और बी मिलकर 16 दिन काम कर रहा है तो ए और बी 4 और 2 6 के क्षमता से काम करेगा 16 दिन, तो कितना काम करेगा 96 काम टोटल करेगा। तो अकेला सी कितना दिन में करेगा मतलब टाइम ऑफ सी निकालना है, तो टोटल काम जो 96 है उसमें 6 के सी की क्षमता 1 है उससे भाग दे देंगे मतलब 96 दिन में सी अकेला काम को करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, यदि 50% काम बढ़ा दिया जाए तो काम समाप्त 10 दिन में ही करना है, तो कितने अतिरिक्त आदमी मतलब कितना आदमी हमें और लगाना होगा। क्वेश्चन फिर से समझिए, 5 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यदि काम को 50% बढ़ा दे और उसे 10 दिन में ही समाप्त करना हो तो कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी मतलब कितना आदमी और ज्यादा चाहिए। पहले तो 5 आदमी 12 दिन में कर लेता था काम, 50% काम बढ़ा दिए तो 10 दिन में ही काम समाप्त करना है, पहले 12 दिन में समाप्त करना था अब 10 दिन में ही समाप्त करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कितना आदमी है जो पूछ रहा है प्रश्न में, 50% बढ़ा देते हैं काम। इस प्रकार से लिखा है 50% काम बढ़ा देने पर, 50% काम बढ़ा देने पर, तो इसका मतलब क्षमता क्या दिया है मतलब काम के बारे में क्या लिखा है कि पहले काम कितना था अब काम कितना हो गया, मतलब पहले काम 100 यूनिट था तो अब 50% वृद्धि हो गया, 50% वृद्धि का मतलब 150 हो गया, यानी कि रेशियो 2:3 हो गया। इस प्रकार से आप देखिए प्रश्न को, आप इसे बना सकते हैं एक मेथड होता है M1D1T1 उसका यूज करके, मतलब काम हो गया पहले 2 और अब कितना है 3। तो 5 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, 5 आदमी 12 दिन में 2 काम करता है। उसी प्रकार से आगे बोल रहा है कि कितना आदमी और चाहिए हमें, तो 5 आदमी पहले था तो कितना आदमी हमें और चाहिए मतलब M4 या X भी लिख सकते हैं इसे कि काम 10 दिन में ही समाप्त हो जाना चाहिए, काम 10 दिन में ही समाप्त हो जाना चाहिए, तो कितना काम करना है तो 3 यूनिट काम करना है। इसे हल कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2×6=12 तो 6×5=30 90, तो 90 बराबर इधर कितना हो गया 10×50+10M, तो 90 में से 50 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 40/10M, यानी कि M का मान कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 आदमी की हमें और जरूरत पड़ेगी काम को 10 दिन में ही समाप्त करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 15 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि यदि किसी संख्या को 84 से भाग देते हैं तो शेषफल 27 आता है, उसी संख्या को 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। कोई संख्या x है उसे हम अगर जो 84 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 27 आता है। तो वही संख्या x है जिसमें हम 27 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो सिंपल है, ऐसे प्रश्न को आपको बनाने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट में आपका दिया रहता है कितना प्रश्न में लिखा उसी संख्या को 6 से भाग देंगे, उसी संख्या को हम अगर जो 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। किसी संख्या को 84 से भाग देते हैं तो शेषफल 27 आता है, उसी संख्या मतलब x को हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल मतलब लास्ट में जो शेषफल है 27, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसी से भाग दे देंगे मतलब 6×24। इस प्रकार से आप 27 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा शेषफल 3, यही आपका आंसर हो जाएगा मतलब शेषफल हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन नंबर था 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है, n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। n को हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है, तो n स्क्वायर मतलब n का 2 बार गुना करेंगे तो हम 5 से ही भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो शेषफल का भी वर्ग करना होता है, मतलब 2 का वर्ग करेंगे और 5 से भाग देंगे, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 में हम भागा देंगे 5 से, तो 4 में हम 5 से भागा देंगे तो भागा नहीं लगेगा, ये छोटा है 5 से मतलब आपका शेषफल कितना हो जाएगा 4 ही आंसर हो जाएगा। अगर जो ये बड़ा रहता तो भागा मतलब 5 बार भी रहता, यहाँ पर 5 रहता तो एक बार तो भाग लगता पूरा पूरी लग जाता, 6 रहता तब भी एक बार भाग लगता, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं वो कम है इससे जिसमें भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं लगेगा, तो इस स्थिति में आपका यही आपका शेष आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा रहेगा तो शेष कितना हो जाता है छोटा वाला। क्वेश्चन नंबर था 17। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x/y बराबर कितना है, x/y है 4/3, तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 4x+3y/4x-3y का मान कितना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x के जगह पर 4 रखेंगे, y के जगह पर 3 रखेंगे, तो x के जगह पर 4 रखेंगे तो 4×4 कितना हो जाएगा 16,
प्लस वाई के जगह पर तीन रखेंगे तो तीन तीन नौ हो जाएगा, नीचे 16 माइनस 9 हो जाएगा, मतलब 25 बटा 7 आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। एक्स के जगह पर 4 और वाई के जगह पर 3 रखेंगे। अगर जो आप 4 के और 3 के भी रखेंगे निश्चित वैल्यू करके, तब भी के ऊपर नीचे कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा और 25 बटा 7 आंसर आएगा। बनाना चाहिए, हालांकि बेसिक वही तरीका है, लेकिन के कैंसिल हो जाएगा। इसे निश्चित बनाएंगे तो 4 के और 3 के लिखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 4 चौके 16 के और प्लस 3 3 9 के, फिर के कॉमन ले लेंगे। उसी प्रकार से नीचे भी करेंगे, के कॉमन ले लेंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा और के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 25 बटा 7 आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोल, देखिए क्या बोल रहा है, एक्स रूट 12 बराबर 4 प्लस एक्स रूट 3 है, तो एक्स का मान निकालना है। तो रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, मतलब इसे लिख सकते हैं x गुना 2 रूट 3, रूट 12 का जगह हमने लिखा 2 रूट 3, यहाँ पर कितना है 4 प्लस x रूट 3, तो यहाँ से देखिए 2 x रूट 3, यहाँ कितना है 2 x रूट 3 में से 1 x रूट 3 इस प्रकार से घट जाएगा, तो बराबर किस तरफ 4 ही रहेगा, तो 2 x रूट 3 में से 1 x रूट 3 घटेगा, तो x रूट 3 होगा ना, 1 x रूट 3 होगा, इतना बराबर 4, तो x का मान कितना हो जाएगा 4 बटा रूट 3, तो 4 बटा रूट 3 है, तो इसे परिमेयकरण हम अगर जो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, परिमेयकरण करेंगे मतलब रूट 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 4 बटा 3 रूट 3 आपका आंसर होगा, जो भी ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है कि किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की कमी होती है, 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य 4800 हो जाता है, तो कार का वास्तविक मूल्य बताइए। कार का वास्तविक मूल्य हमने मान लिया कि प्रारंभ में एक्स था, कितना परसेंट से कमी हो रहा है, तो 20% कमी हो रहा है, तो 20% कमी मतलब 80%, तो 80 बटा 100 2 वर्ष के लिए है, तो 2 बार लिखा हमने, या इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाता है 2 वर्ष में 4800 रुपये हो जाता है, 2 वर्ष में हो जाता है 4800 रुपये। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये तो 4/5 होगा, 20 चौके 80 भी 2500, और ये देखिए 4 चौके 16 तो 48 मतलब 300 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 25 गुना 3 मतलब x का मान कितना हो जाएगा 7500। सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच है, इस प्रकार से बना सकते हैं अगर जो फ्रैक्शन में रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोल रहा है सबसे बड़ा भिन्न बताइए, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा जो, तो यहाँ पर आपको एक चीज बताते हैं, जैसे 7/13 हम लिखे और 8/13 लिखे, तो जिसका अगर जो हर समान है, हर पहले से ही बराबर है या बराबर हम कर सकते हैं, तो उस स्थिति में जिसका अंश बड़ा होगा वो भी बड़ा होगा। ये आपको तरीका यहाँ यूज करना है। तो देखिए 512, 256, 32, 128, तो सभी है जो 32 का फैक्टर है या 512 का फैक्टर है, मतलब 512 ग्रेटेस्ट फैक्टर है और इसका सभी इसका टेबल का है, मतलब 32 का टेबल में ही सभी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 512 जो बड़ा है वैसा बनाने की कोशिश करेंगे, तो 512 256 को 512 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो अंश में भी 2 से गुना करना होगा, मतलब 161 गुना कितना हो जाएगा 122/512, ये कितना हो गया 122/512। अब ये देखिए 32 में कितना से गुना करेंगे 512 हो जाए, तो देखिए 32 चौके कितना होता है 128, 32 चौके 128 होता है। ये आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि इसमें आप भागा दीजिएगा 512 में 32 से, तो 32 से कम 32 मतलब ये 16 बार पूरा पूरी लग जाएगा, तो 16 से गुना करेंगे तो 16 दुनी 32 के 2 बाकी 3 148 से निकामन हो रहा है, यानी कि 32 में 16 से गुना करेंगे तो 512 हो जाए, तो अंश में भी 16 से गुना करना होगा, मतलब अंश कितना हो गया 144 और हर हो गया 512। अब देखिए 128 को आपको 512 बनाना है, तो 128 दुनी 256, फिर 256 दुनी कितना होता है 512, मतलब या गुना भी ऐसे भी कर सकते हैं, तो दो दुनी 2 बार हुआ मतलब 4, तो 4 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी, मतलब 31 चौके 124 होता है ना, तो 124 बटे 512 हो गया। अब सभी का हर देखिए 512 है 512 है 512 है 512, जब सभी का हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भी बड़ा होता है, तो किसका है 121 122 144 124, तो 144 सबसे बड़ा है, मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 9/32 था जो सबसे बड़ा भिन्न हो गया आंसर, ये हो गया जो सबसे बड़ा भिन्न, या हिंदी में बोलेंगे तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो गया 9/32। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसे डेसिमल में भी करके बना सकते हैं लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 या डिफरेंस मेथड भी होता है, बहुत सारा तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने बताया, सभी इतना कंप्लीट करा दिया, और क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। इस प्रकार से लिखा गया है 1/2 बटा, फिर लिखा है 1/2, फिर इस प्रकार से आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या लिखा गया है जो देखिए, ब्रैकेट में लिखा गया है कि 1/2 गुना 1/2, फिर
प्लस है, फिर लिखा है एक बटा दो गुना एक बटा दो, इसका मान आपको निकालना है। तो आप ये जानते हैं पांच बटा पांच लिखा है, मतलब एक हो गया, इसका मतलब बटा के ऊपर और बटा के नीचे सेम चीज रहता है तो एक होता है। तो यहाँ पर भी बटा के ऊपर में एक बटा दो है, बटा के नीचे में एक बटा दो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक हो गया एक बटा एक। ये देखिए एक बटा दो गुना एक बटा दो मतलब कितना हो गया एक बटा चार, एक गुना एक बटा चार तो एक बटा चार प्लस एक, एक बटा दो गुना एक बटा दो प्लस के इधर एक ग्रुप हो गया और प्लस के इधर एक ग्रुप हो गया, तो एक बटा चार जोड़ एक बटा चार मतलब दो बटा चार, दो बटा चार का मतलब एक बटा दो आपका आंसर हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये दिया है कि p बराबर कितना लिखा है, p बराबर लिखा है 2 प्लस रूट 3 और q बराबर कितना लिखा है 2 माइनस रूट 3। तो p प्लस q नहीं, p बटा q कितना होगा जो पूछ रहा है आपसे प्रश्न में, p बटा q कितना होगा जो इस प्रकार से, p बटा q कितना होगा जो, तो p बटा q निकालने के लिए क्या करेंगे 2 प्लस रूट 3 p का मान लिखें और q का मान 2 माइनस रूट 3। तो यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा एक चीज कि परिमेय करण कर सकते हैं अंश और हर में, मतलब ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर, या गुना हम करके ही बता देते हैं, दो माइनस रूट थ्री है तो दो प्लस रूट थ्री से अंश में गुना करेंगे और हर में भी दो प्लस रूट थ्री से गुना करेंगे। तो ऊपर ए प्लस बी, ए प्लस बी दो प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि दो प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा दो माइनस रूट थ्री इंटू दो प्लस रूट थ्री, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार और रूट तीन का स्क्वायर तीन, तो चार माइनस तीन का मतलब एक हो गया इस प्रकार से। अब देखिए अंश में दो प्लस रूट थ्री का स्क्वायर कीजिए तो दो का स्क्वायर चार, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और टू ए भी होता है तो दो दूनी चार रूट तीन हो गया बटा एक, तो चार तीन कितना हो गया सात प्लस चार रूट तीन आपका इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि सेवन प्लस फोर रूट थ्री क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया। 23 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि एक वस्तु के विक्रयमूल्य पर 5% का लाभ होता है, यदि 50 रुपया की कमी की जाए तो 5% की हानि होती है, तो प्रारंभिक विक्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। पहले 5% का लाभ होता है तो प्लस 5% हमने लिखा, फिर 5% की हानि होती है तो माइनस 5% लिखा, तो यहाँ कितना का डिफरेंस है तो प्लस माइनस रहता है तो डिफरेंस निकालने के लिए जोड़ते हैं, मतलब 10% का डिफरेंस है। और प्रश्न में कितना दिया है आपके प्रश्न में दिया है 10% का वैल्यू कितना, 50 रुपये की कमी होती है, मतलब 10% का वैल्यू कितना है 50 रुपया, 10% का वैल्यू है 50 रुपया, तो आपको सबसे पहले क्रयमूल निकालना है, तो क्रयमूल कितना होता है 100%, तो 100% में निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी बनाना चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन पहले हम क्रयमूल निकाल देते हैं। क्रयमूल निकालना है तो 100% मतलब कितना 50 बटा हो जाएगा 10 और गुना 100, इस प्रकार से क्रयमूल निकाल सकते हैं, या तो क्रयमूल कितना हो जाएगा 500, क्रयमूल कितना हो गया 500, ये 100% का मतलब क्या हो गया क्रयमूल, क्रयमूल 500 हो गया। अब बोल रहा है प्रश्न में प्रारंभिक विक्रयमूल्य, तो प्रारंभिक विक्रयमूल्य कितना है 5%, तो 5% लाभ पर विक्रयमूल्य कितना होता है 105%, यानी कि 5% लाभ पर विक्रयमूल्य आपसे पूछ रहा, तो विक्रयमूल्य मतलब क्रयमूल्य है 500 और 5% लाभ पर विक्रयमूल्य 105/100, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 105 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 525। इसका शॉर्टेस्ट अप्रोच ये रहेगा, जो देखिए इतना में ही बना सकते हैं, प्रश्न में लिखा है 50 रुपया दोनों, यानी कि कमी हो जाने के कारण यानी कि अंतर दिया है, और यहाँ अंतर कितना है 5% लाभ और 5% हानि का 10, तो अंतर की तुलना अंतर से की हमने। क्या पूछ रहा है कि 5% लाभ पर विक्रयमूल्य कितना होगा, तो 5% लाभ पर विक्रयमूल्य होता है 105, तो 105 से हमने गुना किया तो एक ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 गुना 105, तो इस प्रकार से 525 आपका आंसर होगा। ये सबसे शॉर्ट अप्रोच है और ये आपका बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है, मतलब पहले बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है 5:7, मतलब 5:7 है पहले कक्षा में लड़के और लड़कियों का, फिर 8 नए लड़के शामिल करने पर नया अनुपात 1:1 हो जाता है, 1:1 का मतलब बराबर बराबर हो जाता है, 8 लड़का को शामिल कर रहे हैं तब लड़का को शामिल कर रहे हैं तो 1:1 हो जाता है, तो लड़का को शामिल कर रहे हैं तो लड़की समान रहना चाहिए संख्या उसकी, तो यहाँ 7 है यहाँ 1 है, तो समान करने के लिए इसमें हम 7 से गुना कर देंगे, तो 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7:7। अब देखिए लड़की की संख्या समान हो गया तो लड़का में कितना की वृद्धि हो रहा है 2 यूनिट का, प्रश्न में कितना का दिया है, प्रश्न में दिया है 8 नए लड़का आ जाने पर, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4। अब क्या पूछ रहा है प्रश्न में, पूछ रहा है कि प्रारंभ में लड़के एवं लड़कियों के बीच का कितना अंतर था, तो प्रारंभ में 5 और 2 का अंतर कितना है, 5 और 2 का अंतर आपके प्रश्न में 5 और 7 का अंतर कितना है 2 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, तो यही 8 आपका आंसर हो गया डायरेक्ट, 2 यूनिट का वैल्यू 8।
जो हुआ वही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर था कितना 25। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये बोल रहा है दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है, तो विषम संख्याएं बताएं। दो लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से ये विषम संख्या होता है। हमने क्या लिखा, ऑड नंबर, जिसे विषम संख्या भी बोल सकते हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 होता है, मतलब पहला x, तो दूसरा इससे 2 ज्यादा है, मतलब x प्लस 2 लिखेंगे, फिर इससे 2 ज्यादा है तो x प्लस फिर 4 लिखेंगे, फिर अगला क्या लिखेंगे, x प्लस 6 लिखेंगे। मतलब सम संख्या है विषम संख्या, दो दो के गैपिंग पर होता है ना। तो प्रश्न में लिखा है कि पहली दो विषम संख्याओं का, जो भी विषम संख्या दो लगातार है, वो दोनों विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है। तो मान लिया कि ये हो गया और ये हो गया, तो दोनों का वर्ग, अंतर मतलब होता है बड़ा माने छोटा, तो ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो वर्गों का अंतर करेंगे, मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर कितना है 56। इसे हल कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कितना हो जाएगा 4x और प्लस b स्क्वायर मतलब 4 और माइनस x स्क्वायर बराबर 56। तो प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4x बराबर 56 इधर है, तो 56 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 52। 4x बराबर 52, तो x बराबर कितना हो जाएगा 52/4, जिसे हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 13। तो x का मान 13 हो गया, ये 13 हो गया, तो 13 और 2 मतलब अगला कितना हो जाएगा 13 प्लस 2 यानी कि 15, यानी कि दोनों संख्या हो गया 13 और 15 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये था, या टेस्ट भी कर सकते हैं, बाय ऑप्शन भी से बना सकते थे जांच करके कि 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 13 का स्क्वायर होगा 169, घटाकर देखिए तो कितना हो जाएगा 56 हो रहा है, तो ये आपका सही है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 के बाद। या इसे यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं, सभी ऑप्शन का यूनिट डिजिट लेना है और देखना है कि किसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, वैसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं। इसे देखिए, ये बोल रहा है कि स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल कितना है 120 है। स्वाति को एस से लिख रहे हैं और अपर्णा को ए से लिख रहे हैं, दोनों का गुणनफल कितना है 120। प्रश्न में आगे लिखा गया है कि यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है, अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है, मतलब स्वाति की आयु बड़ा है, अपर्णा की आयु 3 गुना करने पर भी, तो अंतर मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, तो स्वाति की आयु में से हम घटा देंगे अपर्णा की 3 गुना आयु को, तो वो 2 वर्ष होता है। तो ये दो समीकरण आपके प्रश्न में दिया है, तो इसी प्रकार से आपको ए और एस का मान निकालना है, मतलब स्वाति की आयु और अपर्णा की आयु। प्रश्न में पूछा है क्या कि स्वाति की आयु बताइए, तो इसे शॉर्टकट अप्रोच सबसे क्या होता है, अगर जो ऐसे बनाना चाहे तो क्वाड्रेटिक होगा द्विघात समीकरण, लेकिन उससे बचने के लिए 120 का फैक्टर कीजिए, तो 120 को हम तोड़ सकते हैं 12 गुना 10 या 20 गुना 6 जैसे भी, या 15 गुना 8। अब देखिए आपको सेटिस्फाई कराना है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी 15 गुना 8 लेते हैं, तो यहाँ पर मतलब छोटा ए को रखेंगे 15 या ए को 8 रखते हैं, तो 8 + 24 और ये 15, तो 24 में से 15 जाएगा तो 2 नहीं हो रहा है, मतलब 15 गुना 8 नहीं हुआ। 12 गुना 10 देखिए होगा कि नहीं, मतलब ये छोटा लेंगे, ए को छोटा लेंगे हम, तो 10 यहाँ पर लेंगे तो 10 + 30 तो 12 में से 30 जाएगा, तो 2 नहीं हो रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। अब 20 गुना 6 ये लेकर देखते हैं, मतलब एक ए के जगह पर 6 लेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, और एस के जगह पर कितना लेंगे 20, तो 20 माइनस 3 गुना 6 मतलब 20 माइनस 18, तो ये 2 हो रहा है, और यहाँ पर तो पहले से ही 20 गुना 6 120 है, यानी कि अपर्णा के जगह पर 6 होगा और यहाँ पर जो एस है उसके जगह पर कितना होगा 20, यही आपका आंसर होगा। अपर्णा की आयु 6 वर्ष और ये जो है स्वाति उसका आयु 20 वर्ष होगा, तो जो ऑप्शन पूछ रहा है स्वाति की आयु, तो 20 वर्ष आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 27, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि कोई धन 4% की दर से 2 वर्ष का CIRSI का अंतर 20 रुपया है, तो वह धन कितना है। मतलब आपके प्रश्न में इस प्रकार से लिखा है कि CI और SI का अंतर कितना है 20 रुपया, टाइम कितना दिया है आपके प्रश्न में 2 वर्ष, और रेट कितना दिया है 4%। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि 4% की दर से 2 वर्ष का SI कितना होता है, और मूलधन आपसे पूछ रहा है, तो 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है, तो 4×8% और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इस प्रकार से 4 + 4 और +4×4/100 इस प्रकार से हल करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8.16 कितना हो जाएगा, यानी कि 4% की दर से 2 वर्ष का CI होता है 8.16%। तो यहाँ पर से CI और SI का डिफरेंस कितना चला आया 0.16%, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0.16%।
तो आपके प्रश्न में दिया है सी और एस आई कितना 20 रुपया, यानी कि 0.16% का वैल्यू दिया है 20 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 20/0.16, और मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन का मतलब होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 20/0.16 × 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और दो जीरो और हो जाएगा, तो ये 4×16 = 25×100, फिर से 4×16 = 25×100, तो 25×25 = 625, दूनी 1250 होगा और एक जीरो ये, मतलब 12,500 रुपया आपका आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका देखिए, मेथड सेकंड, इसका मेथड सेकंड क्या होता है, बाई फॉर्मूला कि CI - SI बराबर होता है क्या, कि CI - SI बराबर होता है मूलधन गुना R/100² तो प्रश्न में दिया है CI SI कितना दिया है आपके प्रश्न में 20 रुपया, तो 20 बराबर हो जाएगा मूलधन गुना आर का मतलब कितना 4 दिया है, तो 4/100² तो हल करेंगे तो ये 25×100 मतलब 1/25² तो 20 गुना लिख सकते हैं 20 बराबर पी गुना 1/25 × 1/25 इस प्रकार से, तो 25×25 × 20 मूलधन हो जाएगा 20 × 25 × 25, तो आपका आंसर कितना चलाएगा, ये अभी हमने जो लिखा 12,500 रुपया। क्वेश्चन नंबर ये था 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ये बोल रहा है कि कोई धन 12,000 रुपया है जो 5 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो 15 वर्ष में कितना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप बनाना जानते होंगे कि 5 वर्ष में क्या हो रहा है, 5 वर्ष में हो रहा है जो दोगुना हो रहा है, 5 वर्ष में हो रहा है जो दुगना हो रहा है कोई धन, तो 15 वर्ष में कितना होगा, पहले वो निकाल लीजिए 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 5 से 15 वर्ष हो रहा है, मतलब यहाँ पर वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर जो गुना होता है ये क्या हो जाता है, पावर हो जाता है, मतलब 2×3, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। ये पहले समझे, मतलब 12,000 था धन, तो 12,000 का कितना 8 गुना, 12,000 का 8 गुना कितना हो जाएगा 96, 12,000 है कि 1200 है, 12,000 है तो 12,000 का 8 गुना कितना हो जाएगा 96,000, इस प्रकार से 1200 आएगा तो 9600 हो जाता। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30। ये बोल रहा है कि 2x²-8x-m = 0, इस प्रकार से लिखा है 2x²-8x-m = 0, इसका एक मूल आपके प्रश्न में दिया है 5/10 है, एक मूल दिया है 5/10, तो दूसरा मूल आपको बताना है कितना होगा, जो तो इसका बेसिक आपको आना चाहिए कि ax² + bx + c = 0 होता है, तो इसका दो मूल हम मानते हैं अल्फा और बीटा, 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, मतलब x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और उसके बाद अल्फा गुना बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a, ये आपको पता होगा, तो इसका यूज करेंगे। देखिए मूलों का योग, पहले एक मूल मतलब अल्फा की जगह पर ये है और बीटा आपको निकालना है, बीटा कितना होगा जो आपको ये पता करना है। तो देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सब यहाँ पर ए का मान कितना है, ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर -8 है, सी के जगह पर -m है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि 5/10 प्लस, यानी कि अल्फा लिखे हैं प्लस बीटा, तो बीटा के जगह पर बीटा ही रहने देंगे या x भी मान सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो माइनस, और b का मान कितना है -8 है, तो -8/a का मान कितना है 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस मतलब कितना हो जाएगा 4, 8 मतलब ये भागा देंगे 8 में 200 तो 4 हो जाएगा, यानी कि बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 - 5/2, यानी कि 4 में से आप पढ़ाई घटाएगा 5/2 तो कितना होगा 1.5, या 4×2 = 8 में से 5 जाएगा तो 3/2, या 1.5 से डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो दूसरा मूल हो गया जो कितना हो गया 1.5, तो पहला आंसर तो आपको निकल कर आ गया। अब m का मान भी निकालना है, तो m का मान कैसे निकालेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है, यानी कि अल्फा कितना है, अल्फा के प्रश्न में है 5/2 गुना बीटा निकाल लेंगे कितना आया 3/2 या 1.5 भी लिख सकते हैं बराबर c/a होता है, तो c का मान कितना है -n और a का मान कितना है 2, a का मान कितना है x² का गुणांक होता है ये, तो 2 है। अब इसे हल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5×3 = 15/2, m का मान माइनस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ गुना करेंगे तो -15/2 जिसे लिख सकते हैं 7.5, यानी m का मान हो गया -7.5 और दूसरा मूल हो गया बीटा 1.5, ये दोनों आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी 55% अंक लाता है और 20 अंक कम पाता है, मतलब एक परीक्षार्थी 55% अंक लाता है और पास अंक से 20 अंक कम पाता है, जो विद्यार्थी इस प्रकार से, पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी,
तो पहला विद्यार्थी के लिए परीक्षा में जो पासिंग मार्क्स होगा दूसरा विद्यार्थी के लिए वही पासिंग मार्क्स होगा। तो पहला विद्यार्थी 55% अंक लाता है और 20 अंक कम पाता है, तो अगर जो 20 अंक उसे दे देंगे तो वह पास हो जाएगा। तो दूसरा विद्यार्थी के लिए पासिंग मार्क्स लिखना है और दोनों को हल करना है। दूसरा विद्यार्थी 80% अंक लाता है और 5 अंक से फेल हो जाता है, मतलब दूसरा विद्यार्थी 80% अंक लाया और वह बोल रहा है कि 5 अंक अधिक लाता है, मतलब जितना भी पासिंग मार्क्स है उससे 5 अंक अधिक लाता है, तो 5 अंक अधिक लाता है तो 5 अंक जो घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स हो गया ये। अब दोनों को एक तरफ परसेंटेज को एक तरफ और अंक को एक तरफ कीजिए, तो 80% इधर है 55% इधर जाएगा, तो -55% इधर पहले से +20 है, -5 इधर आएगा तो +5, यानी कि 80 में से 55 घटाएगा तो 25% होगा, 55, 5, 60 और 20, 80 यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, 20 और 5, 25%। तो 25% का वैल्यू टोटल 25 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 25, 1% का 25% का वैल्यू 25, तो 1% का वैल्यू 1 होगा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 100, यानी कि आपका टोटल अंक कितना है 100 है परीक्षा का पूर्णांक। और जिसमें से अगर जो पूछता कि पासिंग मार्क्स कितना है तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालते, एक अंक का वैल्यू 1%, तो 20 अंक का वैल्यू कितना हो गया, ये हम निकाल रहे हैं पासिंग मार्क्स। ये हो गया आपका टोटल मार्क्स, हो गया टोटल मार्क्स हो गया 100 अंक, और पासिंग मार्क्स अगर जो पूछता तो कितना हो जाता, पासिंग मार्क्स होता 55% और प्लस 55% और प्लस 1 अंक का मतलब 1%, तो 20 अंक का मतलब 20%। तो पासिंग मार्क्स कितना हुआ, 55 में 20 जोड़िए तो 55, 10, 65 और 10, 75% आपका है जो पासिंग मार्क्स है। और अंक में कितना है, अंक में निकालना चाहे तो 1% का वैल्यू 1 अंक है, तो 55% का वैल्यू 55 अंक, तो 20 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 75, मतलब ऐसे भी 75 अंक हुआ पासिंग मार्क्स और परसेंटेज में भी 75, और टोटल कितना है 100। कब किया ऐसा, जब पहला विद्यार्थी 55% अंक लाया और वह 20 अंक से फेल हो जाता है, दूसरा विद्यार्थी 80% अंक लाया और वह पासिंग मार्क्स से 5 अंक ज्यादा ले लाता है, तो इस स्थिति में आपका टोटल पूर्णांक होगा 100 और पासिंग मार्क्स कितना होगा 75% और अंक में होगा 75। इस प्रकार से टोटल कंप्लीट हमने ये 7 जनवरी कितना 7 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 वाला क्वेश्चन हमने कवर किया, शिफ्ट 2 वाला भी करेंगे और जो भी बचा हुआ है वो भी करेंगे। अभी तक एग्जाम हुआ है 28, 29 और 30 और 4 तारीख को हुआ है 4 जनवरी को, 28, 29, 30 दिसंबर में, और 4 जनवरी को हुआ है, फिर 5 जनवरी को हुआ है, और 6 जनवरी को नहीं हुआ है, 7 जनवरी को हुआ है जिसका सोल्यूशन हमने किया है, फिर आज का जो होगा वो करेंगे आगे। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें।